हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। 50 दिन हो गए, 50 डेज ऑफ द लॉकडाउन एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 50 डेज विद यू। बहुत मजा आएगा आपके साथ बातें करते। इतने मैं थोड़ा गैप हो गया, 4 दिन मैं गाने रिकॉर्ड कर रहा था। बहुत सारे गाने मैंने रिकॉर्ड किए, मेरे दिमाग बहुत सारे गाने थे, मैं उनको प्रोग्राम भी खुद कर रहा था, लिख रहा, मेरे राइटर अनवर सागर लिख रहे थे, हम लोग बैठ के काम कर रहे थे और वो गाने मैं रिकॉर्ड कर रहा था। और रिकॉर्डिंग, आप जानते हो, जितने लोग थोड़ा बहुत भी म्यूजिक जानते हो, रिकॉर्डिंग करना इज नॉट दैट सिंपल ऑफ अ जॉब। बट आई रिकॉर्डेड अबाउट 12 सॉन्ग्स इन दिस पीरियड ऑफ 4-5 डेज। वी जस्ट लाइन देम अप, रिकॉर्डेड फर्स्ट लेवल रिकॉर्डिंग और फिर आगे जो होगा। आई नो दैट अभी तक आप बहुत उब चुके होंगे और आपको बहुत तकलीफें होंगी, मगर अभी तो थोड़ी सी आदत भी हो गई होगी घर में रहने की, तो सेहत बनाओ और घर के खाने खाओ और बी सेफ एंड सिक्योर। आई थिंक कुछ दिनों में ये सब खुल जाएगा। आज का जो डिस्कशन मैं करने वाला हूँ, बड़े अजीब चीज है जिसको आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, वो है कॉफी शॉप्स। ये जो कॉफी शॉप्स है ना, ये चक्कर, ये कमाल का कंसेप्ट बना है। ये वर्ल्ड वॉर तो चलता था इंडिया में नहीं, कॉफी हाउस हुआ करते थे जहां 30 पैसे या 40 पैसे की कॉफी मिलती थी, जहां ज्यादा 10 रुपए 30 रुपए की हो गई होगी। मगर एक्चुअल ब्रांडेड कॉफी शॉप जो वर्ल्ड में थी, वो बहुत कुछ सालों पहले बॉम्बे में आ गई एंड ऑल ओवर इंडिया आ गई इनफैक्ट। एंड लाइक स्टारबक्स, कॉफी डे, बैरिस्टा एक्सेट्रा, और कॉफी डेला, कॉफी डा बेला एक्सेट्रा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एंड कॉफी शॉप्स हैव बिकम द हाईलाइट ऑफ एवरीथिंग। 30 रुपए से 300 रुपए हो गए, 400 रुपए हो गए, मतलब एक कॉफी का कप आपको 350-400 रुपए का मिलता है। देख के मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांपते, क्योंकि 400 रुपए दे दें एक कॉफी के लिए, मुझे घबराहट होती है। तो मतलब तू पे कर दे यार, तू पे कर दे यार, मैं तो नहीं पे कर सकता क्योंकि मैं थोड़ा पुराने जमाने का आदमी हूं, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। 30 पैसे की कॉफी 30 रुपए की हुई, 30 रुपए से 300 रुपए की हो गई, अब 300 से पता नहीं कब तक जाएगी। आई डोंट नो, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ कॉफी। एनीवे, कॉफी एक बहुत अच्छी मीटिंग स्पॉट बन गई है और हमारे बॉम्बे में तो कॉफी शॉप इज सिनोनिमस विद बहुत लफड़ा वफड़ा एंड ऑल। और पहले तो मैं यंग लोगों को वार्निंग देता हूं कि जब को कॉफी का इन्विटेशन आए ना, तो सोच लेना कि कॉफी के आगे क्या है, स्पेशली गर्ल्स को। कैसे कॉफी विद मी, तो आप सोच लो लड़कियों को, तो जरा बी केयरफुल किसके साथ जा रही हो और कॉफी पी रहे हैं और क्या कॉफी पी रहे हैं और क्या डिस्कशन, तो बी केयरफुल। दैट इज फॉर ऑल द यंग पीपल, हाँ जरा समझ के, जिनको जानते हो उनके साथ ही कॉफी पीने जाइए। एनीवे, फिल्म इंडस्ट्री के जो 3 नाके हैं हमारे, कॉर्नर्स इन लोखंडवाला एक्सेट्रा, हमारे लोखंडवाला का एरिया है, यहाँ बहुत सारी कॉफी शॉप्स हैं और ये कॉफी शॉप्स हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बेस बन चुकी है। यानी कि यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ लोग मिलते हैं, राइटर्स, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, कई स्क्रिप्टें बनती है, टाइटल होती है, स्टार का सेलेक्ट होती है, कॉफी पी जाती है, कोई जिसके पास पैसा होता है पे कर रहा होता है बिल, और फाइनेंशियल भी खड़े हो जाते हैं एक्सेट्रा, टाइटल बन जाता है, बिगनिंग से एंड तक पिक्चर भी शूट हो जाती है, मतलब दिमाग भैया वही कॉफी शॉप के अंदर भी, और फिर वो फाइनेंशियल भाग जाता है, वो पूरी टीम डिस्पोज हो जाती है और नई फिल्म शुरू हो जाती है। यानी कि ये सब ड्रीम्स है, इट्स अ ड्रीम डेस्टिनेशन जो कॉफी शॉप के अंदर ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। करप्शन का भी बहुत बेस है, मीटिंग पॉइंट्स हो गए थे एंड आई थिंक मेनी ऑफ द कॉफी शॉप्स आर अवेयर के कुछ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स भी लोगों को उल्लू बनाने के लिए आते हैं, तो दे आई थिंक कीप अ चेक। बट यंग पीपल बेसिकली ज्यादा फ्रिक्वेंट करते हैं एंड दे आर वेरी केयरफुल। यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको तो यही बोलना चाहिए कि जो रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेज है, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, आजकल बड़ी कास्टिंग के कॉफी शॉप भी बनी हुई है जहां सिर्फ कास्टिंग होती है, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करिए, सो दैट यू आर बेसिकली फ्री फ्रॉम ऑल दिस स्ट्रेस। हमारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की फोटोज है हम सबके साथ, वहां मैं हूँ, सिद्धार्थ है, पारस है, आसिम है, आप साहब सोच लें कौन किस तरह से कॉफी शॉप में बिहेव करेगा। मैं तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड फिलोसफी वाला आदमी हूँ, मैं चुपचाप बैठ के अपनी कॉफी लेके बाहर चले जाऊँ, मैं कॉफी शॉप में बैठता नहीं है। वैसे सिद्धार्थ बड़ा सोबर किस्म का आदमी है, आसिम थोड़ी मस्ती कर सकता है और पारस तो टोटल आउट मस्ती करेगा कॉफी शॉप के अंदर। तो आप सोच लीजिए कि कॉफी शॉप में क्या क्या है। थोड़ी बहुत तो आप बातें समझते हैं क्या मैं बोलना चाहता हूं, मगर एक तरह से मैंने बच्चों को तो वार्निंग दे दी कि भाई आपको अगर एक्टिंग और ये सब परस्यू करना है, ये कॉफी शॉप में नहीं होगा, आपको प्रोडक्शन हाउसेज में जाके अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स में जाके आपको अपनी पूरा पोर्टफोलियो देना पड़ेगा। एंड देन यू नॉट वेट एंड वॉच एंड रीविजिट, हर बार विजिट करके देखिए कि आगे कुछ बात बढ़ी कि नहीं बढ़ी। कॉफी शॉप्स में कुछ नहीं होगा, कॉफी शॉप्स आर एसेंशियली एंटरटेनमेंट प्लेसेस, मीटिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा, आगे कुछ होगा नहीं अनलेस द पीपल आर रेप्यूटेड होम योर मीटिंग। एवे नथु खेरों को मिलने की कोई जरूरत नहीं है अपनी लाइफ को,
लुक एट इट इन अ बेटर वे. और देर आर लॉट ऑफ एक्टिंग स्कूल्स ऑल्सो, वहां भी जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं. एक्टिंग स्कूल में अगर ज्वाइन नहीं कर सकते, वहां रजिस्टर आप कर सकते हो. और प्लेस बहुत होते हैं, प्लेस के जो शोज लाइक पृथ्वी थिएटर अदर प्लेसेज, वहां भी जाके अच्छे अच्छे प्ले ग्रुप्स में जाके आप अपने आपको ज्वाइन कर सकते हो एंड ट्राई टू मेक एन एंट्री देयर. दीज आर ऑल द रिक्वेजिट्स ऑफ ट्राइंग टू मेक एन एक्टिंग. हमारे टाइम पे तो कोई एक्टर कैसे बनता था पता ही नहीं था कि क्या होगा क्या. अब तो एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ है, सो यू नो वॉट टू डू. सो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम इन कॉफी शॉप्स एंड ट्राई टू डू समथिंग वर्थ वाइल एंड करेक्ट सो दैट योर करियर इज मेड. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉफी शॉप्स. ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है क्या हो रहा है, क्या बातें करते हैं, क्या करते हैं लोग, कितने कैसे लोग होते हैं. मैं यंग लोगों को बी अवेयर बिकॉज उल्लू बनाने वाले बहुत लोग वहां बैठे रहते हैं. सो डोंट गेट फूल्ड बाई सच पीपल एंड ऑलवेज बी अवेयर. When somebody invites you for a coffee, think.